इतना रो रही है वो तो, क्या बात हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुन रहा है ना, रुक जाइए प्लीज। प्रिंस जी मुझे माफ कीजिए, अब मैं यहां नहीं रुक सकती। देखिए मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? एक बिन ब्याही मजबूर मां जिसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसका हक देने से इनकार किया जा रहा है, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए और क्या कर सकती है? प्रिंस जी मुझे जाना ही होगा। देखिए मुक्ति जी रुक जाइए, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बच्चे के लिए तो है, तो फिर मुझे उसे अपनी आधी जायदाद देने में क्या दिक्कत हो सकती है? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बच्चे को ही मिलेगा और उसका वारिस वही बनेगा, तो फिर इस तरह आती जायदाद देने का क्या मतलब है आप बताइए ना। लेकिन प्रिंस जी जब वो आपका वारिस है तो अपनी जायदाद उसके नाम करने में आपको दिक्कत ही क्या है? कल किसी ने नहीं देखा प्रिंस जी, मैं तो इस बच्चे को जन्म देकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने हमारे बच्चे के नाम आधी जायदाद हो जाए। खैर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। देखिए ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रही हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ भाईराज और नंदिनी का है। मैं मानता हूँ कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर हूँ, लेकिन सारी पावर भाईराज और नंदिनी के पास है, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। पूरे माल पर खुद मौज करता है और कहता है जायदाद इसकी नहीं है। अपुन को एड़ी समझ के रखा है क्या? हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है प्रिंस जी? जो कुछ नंदिनी जी का है वो सब आपका भी तो है ना। देखिए अगर आप जायदाद हमारे बच्चे के नाम नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। कम से कम ऐसी बातें करके खुद को मेरे सामने छोटा तो मत कीजिए। आखिर आप मेरे बच्चे के पिता हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ नंदिनी का है। जिसको अपन हीरा समझ रही थी वो तो कांच का टुकड़ा निकला। अपन बेकार में इसके पीछे मेहनत कर रही थी, इस कड़के से कुछ नहीं मिलने वाला है। पर अपन भी सच्ची धंधे वाली है, ये नहीं तो नंदिनी ही सही। पर इन लोगों से माल तो निकलवा के ही रहेगी अपन। मैंने तो सोचा था आप जैसे लोगों की मदद करूंगी, बच्चे के रूप में आपको खुशी देकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लगता है मेरे दुर्भाग्य की काली छाया मेरे बच्चे पर भी पड़ गई है। मैं उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर डरती हूँ कहीं यहाँ से निकलते ही लोगों ने मुझे बाजारू औरत का दर्जा दे दिया तो कहीं मेरे बच्चे को
लावारिस की जिंदगी ना गुजारनी पड़े। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आज ही नंदिनी से बात करूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। देखिए अगर आप चलेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा और नंदिनी भी टूट जाएगी, वो इस बच्चे के बिना नहीं जी सकती। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए। अब आया लाइन पे, अब तो हर हाल में ये जायदाद अपन अपने बच्चे के नाम करवा के ही दम लेगी। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं रुक कर देख लेती हूँ, लेकिन प्रिंस जी आप जल्दी ही नंदिनी जी से इस बारे में बात कीजिएगा प्लीज।